जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और मैं लेकर आया हूं आपके सामने विजयपथ का रिजल्ट। तो ये हमारे कैंडिडेट्स हैं दो, जो कि अग्निवीर आर्मी की 2024 की भर्ती के जो हैं वो मिलने आए थे। तो मैंने बोला चलो आपके साथ भी मिलवा देता हूं कि क्या रिजल्ट रहा है, और इन बच्चों से भी आपको भी प्रेरणा मिले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे आप इनके एग्जाम में, जो कि आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अब दिसंबर में फिर से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली हैं तो आर्मी भर्ती के लिए, और 2025 के लिए बैच जो है वो भी बैठेगा। तो बच्चों को ये पता होना जरूरी है कि क्या एग्जाम था, कैसा था। तो ये हमारे मिस्टर आकाश हैं, शगुन, तो लोलो, तो बताएं आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताएं। जी, मेरा नाम शगुन है और मैं कंडी गांव से आता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 महीने की कोचिंग ली थी, जिसका मुझे परिणाम पूरी तरीके से मिला है जी। और तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ करनी हो तैयारी, तो कम से कम 6 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या था कि एग्जाम कैसा लगा आपको, कि मतलब एग्जाम में क्या था आया हुआ, तो वो बताओ आप बच्चों को कि एग्जाम को तैयारी करने के लिए पहले ग्राउंड जरूरी है कि रिटर्न ज्यादा जरूरी है। रिटर्न सबसे ज्यादा जरूरी है, रिटर्न इनके हिसाब से जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिटर्न में किस प्रकार से आपको पेपर में आए हुए थे, क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चंस मैथ काफी इजी था, सर ने पढ़ाया वो भी, और जीके साइंस भी अच्छा ही था, साइंस थोड़ी टफ थी। और साइंस टफ थी, तो यानी कि बच्चों ये कहने का मतलब ये है कि साइंस पे हमें ज्यादा बर्डन देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स नॉर्मल आ रहा है तो। और रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग तो बहुत आसान थी सर। अच्छा, रीजनिंग भी आसान आ रही है। तो आपके हिसाब से क्या मतलब स्ट्रेटजी अगले बच्चों को रखनी चाहिए? मेरी ये कि जीके साइंस में ज्यादा ध्यान दे, और 6 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे। अच्छा, 6 महीने तक कम से कम जो है वो तैयारी करनी चाहिए, और ज्यादा जो फोकस है वो रिटर्न पे रखे हैं सभी बच्चे। चलो, मुबारक हो आपको कि आप जो है सिलेक्ट हुए। और मिस्टर कुणाल, कुणाल नाम है इनका, ये भी कॉलेज में पढ़ते हैं, मगर इनकी अब जो है कॉलेज की सेकेंड ईयर छूट रहा है। तो देखिए, आपको ये भी मैं बताऊंगा कि अग्निवीर या कभी भी आप डिफेंस में किसी भी सर्विसेज में जाते हैं, तो आप कभी भी किसी भी सेशन में जो है अपने आप को जो है वो ज्वाइन करवा सकते हैं और अपने भविष्य की तरफ सोच सकते हैं। देखिए, कॉलेज जाएंगे तो जॉब नहीं है, ठीक है, कॉलेज के आफ्टर भी जॉब नहीं है, सिर्फ एक प्रकार की डिग्री हमारी कवर हो रही है, मगर आपको वही चीज जो है अपनी स्टडी के साथ साथ में कर लेते हैं तो दोनों का बेनिफिट हो जाता है, कि एक तरफ से आपकी जॉब भी बन रही है, दूसरी साइड से ये भी बन रहा है। तो मिस्टर कुणाल जी भी ये भी सिलेक्ट हुए हैं अग्निवीर में, तो थोड़ा सा अपना परिचय दें पहले कि आप कहाँ से हैं। और मैं विलेज कंडी से हूँ, पालमपुर कंडी के रहने वाले हैं। तो क्या था, आप कहाँ से, आपको बताया किसने कि मैंने भर्ती होना है? किसी ने नहीं बताया, वैसे ऐसे ही। अच्छा, मन में ड्रीम था इनके। तो क्या था आया हुआ एग्जाम में आपके, क्या क्वेश्चंस थे, आपको क्या लग रहा है कि एग्जाम नॉर्मल था? मैथ और रीजनिंग तो नॉर्मल थे, जीके था ज्यादा, करंट अफेयर और साइंस टफ आ रही ही। अच्छा, डिटेल में आ रही साइंस, मतलब जो एकेडमी में पढ़ाया है वही आया, लगभग क्या सारा वही आया है, जीके बस करंट अफेयर लगभग। तो ये अलग अलग सेशन में होता है ना, अलग अलग सेशन में होता है वही है। इस बार थोड़ी साइंस टफ थी, मैथ इजी हा, रीजनिंग इजी हा। ठीक, और क्या, बेस्ट एकेडमी है पालमपुर की विजयपथ, मैंने वैसे 1 महीना कोचिंग ली ही इधर, सर से अच्छा पढ़ाते सर। और पापा क्या करते हैं आपके? पापा तो जो भी करते हैं, जॉब करते हैं आपके पापा भी। तो आपके सामने ये इस प्रकार से बच्चे हैं आए हैं हमारे पास, ये भी अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करके। तो आपका क्या कहना है कि बच्चों को रिटर्न की तैयारी करनी है कि पहले फिजिकल की तैयारी करनी, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो यही कंफ्यूजन है बच्चों में कि हम रिटर्न तैयारी करें कि फिजिकल करें, कि दोनों को बराबर करें? पहले तो मेन रिटर्न है, रिटर्न क्लियर होगा तो ये होगा ना, फिजिकल होगा, रिटर्न की तरफ ज्यादा करें। हाँ, 2 महीने में हो जाता है, 2-2.5 महीने कवर आसानी से कवर हो जाता है। बाकी अगर बंदे ने अगर पहला पढ़ा हो तो वो 2-2.5 महीने में कर लेता है, अगर बेस से बनाया तो लगेंगे 5-6 महीने। अच्छा, मतलब जैसे ये शगुन बता रहे हैं कि 5-6 महीने का समय चाहिए है, तो आपके हिसाब से क्या मेरिट गई है रिटर्न के लिए? रिटर्न के लिए 26 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन, 25 से 26 इनका कहना है, 25 से 26। आपका के हिसाब से कितना होगा? मेरा भी इतने 25-30 क्वेश्चन। तो कोई आइडिया नहीं है बच्चों कि आने वाले पेपरों में जो है वो क्या कितनी मेरिट जा रही है, ठीक है, मेरिट का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड आर्मी वाले कर रहे हैं,
और फिर उसी के बाद जो है फिर ग्राउंड में आपके कितने मार्क्स थे? ग्राउंड में एक्सीलेंट था। और आपका? तो दोनों का देखिए एक्सीलेंट था, यानी कि 100 नंबर यहाँ पर थे। और रिटर्न में इन्होंने अपना जो भी क्वेश्चंस किए हैं, तो मैक्सिमम आपका कितने क्वेश्चंस आपको लगा कि मैं इतने अटेम्प्ट करके आया हूं और वो एक्यूरेट रहे? मैंने टोटल अटेम्प्ट की है 39, उसमें से 34-35 एक्यूरेट थे बिल्कुल। अच्छा, तो देख सकते हैं आपकी 34 अगर ये करेक्ट करके आए हैं तो लगभग इनके 70 मार्क्स तक अराउंड जो है वो मार्क्स बन रहे थे रिटर्न में। तो 170 मेरिट तक लेके चलिए कि 170 तक मेरिट गई होगी, तो कम से कम लेके चले तो 160 तो गई है। तो इसी प्रकार से जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है वो हमें स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए एग्जाम्स के लिए भी। और इन बच्चों को दोनों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि ये बच्चे जो हैं आगे हमारी भारतीय सेना में जो है आगे अपनी सर्विसेज देंगे और साथ में परमानेंट भी रहेंगे इसी सर्विसेज में। तो नई वीडियोज के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।